सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में बोला था कि हुक का वीडियो बना तुम लगे, हुक्स कैसा बांध लेना। आपके हिसाब से जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ, ये आज तक कोई यूट्यूब पे ये वीडियो नहीं डाला त्रिभुज हुक बांधने का। आप देख सकते नीचे ये हिसाब से ऐसा बांध लेना है, बहुत सिंपल है। और ये पलटने का चांस नहीं रहने की वजह से मच्छी मिस होने का भी चांस नहीं है बहुत, और स्पीड बन सकते है ज़्यादा, कुछ भी इसमें परेशानी नहीं है बनने में, बहुत आसान बन सकती है। तो और भी आप लोग पिछले वीडियोस में शिकार कर सो देखे होंगा, वो मैं इस तरह से बन लेके शिकार करा सकूं। ये आपको लप लप पे फिशिंग करो या तीन गला बन के ऊपर बेंड लगा के फिशिंग करते है, उस पर भी ये बहुत बेहतरीन शिकार होता है। इससे जरा मेरी आवाज़ खराब है, सर्दी हो गई, तबीयत जरा सही नहीं है, इसलिए फिशिंग के वीडियोस भी नहीं आ रहे। इंशाल्लाह ये आप लोगों को बन के बताता हूँ मैं ये कैसा बनना। ये मस्टर्ड हुक से, ये मस्टर्ड कंपनी के हुक से ये तीन हुक ले लेना। ये भी बेहतरीन कंपनी है, कोरिया के ही है, आप लोग देख सकते हैं नजदीक से कंपनी। ये अपने इसाक भाई के पास लिया सो है, ये जो भी सामान है इसाक भाई के पास लिया सो हूँ मैं। तो ये पहले ये दो ऐसा ले लेना, ये दो ऐसा लेके पकड़ लेना। इसमें तागा भी रहता है, रेशम का बारीक तागा रहता है, ये कट करके रख लिया मैं, बारीक तागा ही है ये। आप लोग ब्रेड लाइन भी यूज कर ले सकते हैं, मोटे मोटी रहे तो ब्रेड लाइन भी यूज कर ले सकते हैं। मैं ये शिकार करा सो, ये हुक्स पे शिकार करा सो, एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप लोग मच्छी को कैसा ये हुक लगती है आप लोग देख सकते हैं वहां से। देखो ये ऐसा, ये दो मिला के यहाँ पकड़ लिया मैं उंगली डाल के, ये दो मिला के उंगली डाल के पकड़ने के बाद ये उसके ऊपर से रखना ऐसा, ये सब बराबर करो ऐसा पकड़ लेना। ये दो मिला के यहाँ उंगली डाला, एक गल ऊपर से रखा, ये पकड़ लेने के बाद ये तागा है, ये तागा बराबर यहां से माप लेके कट कर लेना। इसको ये गाला जो बन रहा ऊपर तीन रखने के बाद यहाँ ये ऐसा रख के इसको पकड़ लेना, ऐसा तागे को पकड़ लेना। और कुछ इसमें देखने में बहुत आसान दिखता है भाई, आप अगर वीडियो सही नहीं देखे तो आपको बनने में मुश्किल होती, बार बार वीडियो देखते सो बदल, एक इंच बार देखो सही वीडियो देखो। ये इधर पकड़ लिया वहीं और ये इधर पकड़ लिया, और ये यहाँ से रहता तागा लपटने के टाइम पे, ये इतना इतना छोड़ लिया है आप लोग देख सकते हैं, इतना है ये छोड़ने के बाद। ये तागा है जो कपड़े सीने का तागा रहता है, वो तागा है ये, ये भी हार्ड कुछ नहीं है। ये तागा रहने से क्या है वो तो, ये तागा जल जाता, फेविकिक डालने का रहता है इसमें, जल के दबा के पकड़ लेता। तो ये तागा देखो ऐसा पकड़ लेने के बाद, हाँ जी, जैसा पकड़ने के बाद ये तागा भी बराबर इसके हिसाब में यहाँ पकड़ लेना। पकड़ लेके पहले रफली इसको ऐसा राइट घुमा लेना, रफ है ये, रफ कहीं को बोलते जमने के वास्ते, ऐसा घुमा लिया मैं, रफ घुमा लिया, रफ घुमाने का देख चार पांच बार इधर से उधर रफ घुमा लेना। अब ये कैसा पलट के इसके अंदर आता है ये सब देखना बाकी है। अभी ये रफ होने के बाद क्या करना, अब यहाँ से शुरू करना लपटना इसको। ये उंगलियां दर्द नहीं होते भाई, तंगूस से लपटे तो उंगलियां दर्द होते, इससे कुछ भी उंगलियां दर्द होने का भी नहीं है, बहुत आसान है ये बनना। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये इतने बना लिया मैं, ये इतने बनाते बनाते मेरे को आइडिया आया कि ये मैं बोला था वीडियो बना तुम बोल के, इसलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो बना के बता रहा हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है, और मच्छी लगने के बाद भी गल फिरने का चांस नहीं है, एक गल अगर लगी मच्छी को तो दूसरी ऑटोमेटिक खुद जाती, दो गना लग जाते हैं, मच्छी ज़्यादा मिस नहीं होती। और तंगूस से बनने का पुराना स्टाइल जो मैं बताया था, उससे गल पलट के फेविकिक भी एक एक बार क्या हो रहा, फेल हो जा रहा उसमें, तंगूस छोड़ दे रहा उसको, तो मच्छी मिस होने का चांस है उसमें। ये बहुत आसान है, देखो करीब में आ गया। अब तुम लोग तंगूस को ऐसा इतना फास्ट नहीं लपट सकते, बहुत स्लो लपटना पड़ता जमा के। ये तागे को क्या है, कैसा भी लपटो
आ जाता है। यहाँ तक आने के बाद ये फाइनल एंडिंग को आ गया हमें। ये एंडिंग को आने के बाद क्या करना है बोले तो, ये जो छुटे हुआ है ना इसको थोड़ा इधर पलटा लेना, ऐसा पलटा लेके इसके ऊपर से कैसा भी थोड़ा तागा चढ़े सर का देख लेना। जो रेशम का तागा इसके ऊपर तक चढ़ाया हमें वो थोड़ा चढ़ा लेना खाली, फेविक डालने के बाद टाइट पकड़ने के लिए। वहाँ पूरा हो गया है, अब फिर आके देख लेना के तागा कहीं भी छूटा क्या देख के, फिर थोड़ा 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 लपट लेना। अब मैं इसको तंगूस भी कैसा चढ़ाना और शीश कैसा लगा लेना वो भी बताता हूँ। अब हमारे जो पुराने शिकारी हैं उन लोगों को समझ में आ जाता, जो नए शिकारी हैं ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को समझाता हूँ। तो ये हिसाब से आने के बाद अब इसको गल, ये दो एक सड़ हो गए, एक एक सड़ हो गया। ये यहाँ पे जिसको इसके अंदर पलटा लेने का रहा था अपने को, ये खोल रहा हूँ मैं, ये ऐसा गाला मिलता है उसमें चांस मिलता है, इसको अंदर ले लेना। अब भी ले सकते हैं बाद में नहीं ले सकते, इसलिए लपटने के बाद ले लेना। ये एक सेट का अंदर ले लिया मैं, ये दूसरे सेट का अंदर लेता हूँ। ये कंपलसरी अंदर है हाँ, ये बाहर आ गया तो मार एक सेट चल जाता रहता, ये अंदर आ गया दोस्तों। अब इसको सेट कर लेना बराबर, अब ये बराबर सेट होने के बाद, अभी थोड़ा तागा चढ़ा दूं तो हमें वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए मैं जरा स्पीड कर ले रहा हूँ। ये ऐसा सही पोजीशन पे जमा लेना गला, ऐसा सही पोजीशन पे थोड़ा, उसमें क्या है गल बनने के बाद थोड़ा इधर उधर हो रहा होके बोले बहुत जने मेरे को, तो मैं उन लोगों को ये सजेशन करता हूँ कि ऐसा बन लो, मच्छी भी मिस नहीं होती और मार भी अच्छा बेहतरीन लगता। ये हिसाब से कर लेने के बाद, ये फेविकिक है, फेविकिक 5-5 रुपए वाला फेविकिक लेते से बदल ये फ्लेक्सी बॉन्ड मिलता, फ्लेक्सी का जो बैनर चिपकाते वो 50 रुपए में मिलता, वो भी आप लोग ला के डाल ले सकते हैं। वो डाले तो आप लोगों को सस्ते में गिर जाता, कितने भी गला बना ले सकते हैं। मेरे पास ख़त्म हो गया, वो ख़त्म होने की वजह से मैं वीडियो बनाना है बोले सका ये ले रहा हूँ। और क्या है दोस्तों, और एक बात भूल गया मैं आप लोगों को, ये तागा यहाँ तक लपटने के बाद फेविकिक डालते बहुत, ये इसके अंदर आ जाता फेविकिक, ये हार्ड हो जाता बहुत। तो आप लोगों को यहाँ पे आयल नहीं तो खोपरे का तेल कुछ भी एक यहाँ लगाना रहता, यहाँ लगा, अब मैं नहीं लगा रहा हूँ कहीं, वो तो फिलहाल मैं यहाँ वीडियो बनाते खुद नहीं रख लिया। यहाँ पे थोड़ा खोपरे का तेल ऐसा लगा देना इसको, रेशम को लगाने के बाद ये डालना, ये नहीं तो अगर ये इसके ऊपर चढ़ गया तो हार्ड हो जाता। मैं ये डाल के बताता हूँ तुम लोगों को, उसके ऊपर नहीं चढ़ सका डाल के, डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, फिर भी थोड़ा बहुत जाता हो। खाली लाइट डालने का रहता ज़्यादा नहीं, तागा जल जाना खाली, तागा जल के पकड़ लेता है बस। तुम्हारा गल टूट जाती पर ये तागा नहीं खुलता। आप लोग ऐसा बना के कोशिश कर ले सकते हैं। अब ये फिरना भी ख़त्म हो गया इसका, ये हार्ड हो गया देखो, ये नहीं पलट रहा है। तो यहाँ थोड़ा तेल लगा लेना, अब मैं इसको कैसा भी करके पलटा लेता हूँ, यहाँ थोड़ा तेल लगा लिया तो क्या है ये परेशानी नहीं होती। इसको तागा कैसा चढ़ाना मैं ये बताता हूँ आप लोगों को, ऐसा बनने के बाद तागा कैसा चढ़ाना और शीश कैसा लगाना ये भी बताता हूँ, देखो आप लोग। ये 50 mm का लाइन है, ये लाइन को ऐसा मोड़ लेना, पहले ऐसा मोड़ लेके इसमें से फिर आके दो घीटियां डालना है, एक घीटी नहीं डालना, एक बार डाल लिया मैं, ये दो बार
कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ऐसा दाल लेके यहाँ से कट कर लेना, सेम डायमंड भी कैसा बनाते हैं अपन वैसे टाइप में इसको बनना रहता। ये बनने के बाद क्या करना, ये हुक है ये दो लेना, ऐसा लेके घीटी मारे सो ये हुक के अंदर डालना। फिर ये हुक के अंदर डालने के बाद, अभी फेविकिक नहीं सूखा, ये अंदर डालने के बाद इसको इसमें से ले लेना, ये तीन में से ले लेके ऐसा रख के खींच देना। ये हो गया रेडी। अब शीश क्या करना, ये शीश है स्प्रिंग की शीश है, ये आप लोगों को स्प्रिंग भी मिलती, वायर भी मिलता और कैप्सूल टाइप में भी मिलता। ये आप लोग ले लेके थोड़ा अपन ऐसे टाइप में बना लेना, अगर नहीं है तो ऐसे टाइप में बना लेना, या ऐसे टाइप में पूछे तो ऐसे टाइप में स्प्रिंग के टाइप में मिल जाता आप लोगों को। ये ऐसा लगा लेना, इसमें से घुमा लेके, पुराने शिकारियों को मालूम रहता भाई, मैं नए शिकारियों के वास्ते पूरा क्लियर जरा बता रहा हूँ। ये शीश हुक से एक इंच, ये हुक अपन यहां को लगा दिए, हुक से एक इंच गैप में शीश लगाना। शीश अभी जरा सही लगाने का है, वीडियो लंबी हो रही इसलिए मैं आप लोगों को ये हिसाब से बता रहा हूँ। शीश पूरा टाइट रहना, मैं लूज रख लिया फिर खोल देने का रहता मेरे को। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट शिकार का वीडियो या दूसरा और एक दुकान को जाने वाला हूँ मैं, नई दुकान होलसेल दुकान है, उस दुकान का वीडियो आप लोगों के सामने लेके आने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करो, क्यों बोलते यूट्यूब में आज तक ऐसा हुक बनना कोई भी नहीं बताए, पहली बार एबीएस फिशिंग चैनल पे ये हुक बनना आ रहा। लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो भाई। अल्लाह।